ये है आदित्य, एक गरीब परिवार का लड़का है। दो साल पहले यह शहर में आया था और तब से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ परीक्षाएं दे चुका है और कुछ परीक्षाएं बाकी है। आइए देखते हैं कि आदित्य को नौकरी मिलेगी या वो हार मानकर गांव वापस लौट जाएगा। हेलो, मैं RWA ऑफिस से बोल रही हूँ। कल आपको इंटरव्यू के लिए आना है। हाँ, थैंक यू सो मच, मैं कल आ जाऊँगा। ओके। यार कल इंटरव्यू के लिए जाना है। लेकिन पैसे तो है ही नहीं। यार कल इंटरव्यू के लिए जाना है और 20 रुपए हैं। बबलू और दीपक से पैसे मांगूं या नहीं, अच्छा नहीं लगेगा यार। वैसे भी उधार ले रखे हैं, तानी वो देंगे कि नहीं देंगे, पहले का भी नहीं चुका पाया हूँ। कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। थैंक यू भगवान, आपने इंटरव्यू के लिए कॉल करवाया। अब कोई रास्ते में जान पहचान का मिल जाए तो इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगा। भगवान से जाके पूछता हूँ कि मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे रास्ता दिखाइए, हिम्मत अब टूट सी रही है, कहीं मैं हार ना मान जाऊं। बेटा जब भी लगे कुछ सही नहीं हो रहा है तो हार मत मानना, क्योंकि भगवान परीक्षा उन्हीं को लेते हैं जो काबिल होते हैं। वाह वाह, कमाल देखो, जिसको पैसे चाहिए उसे दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसे बहुत सारे दे रहे हो। वाह वाह, क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, कोई मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? बाबा आप क्या मदद करोगे मेरी, आप तो खुद मांग के खा रहे हो। नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा। इस मंदिर में जो आता है वो पुण्य कमाने के लिए मुझे देकर जाता है। तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ बताओ। बाबा इंटरव्यू देने जाना है, कम से कम 500 रुपए लगेंगे। लो, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे मोह नहीं है, मैं तो बस खाना खाता हूँ, बीमार हूँ तो दवाई चाहिए होती है। शाम को जो पैसे बचते हैं वो खुद मंदिर दान पेटी में डालकर आ जाता हूँ। बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटाने ज़रूर आऊँगा। कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, जब मन हो तब दे देना, जाओ।
ये चमत्कार बाबा जी की वजह से हुआ है। उनको जाके धन्यवाद बोलता हूँ। क्या हो गया? एक फकीर की मौत हो गई, दवाई वगैरह लेनी होगी इसलिए मौत हो गई, पैसे वैसे नहीं होंगे। वाह वाह, ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा के चला गया। मर गया अच्छा हुआ, वैसे भी ना किसी काम के नहीं होते ये लोग। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती हैं। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे, इसलिए मदद करो। और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला जरूर आएगा।